गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज ह्यूमन सब झारखंड में मेरे साथ है अली सर। अली सर काफ़ी जाने माने हस्ती है हजारीबाग में, केन इस्लामिया में ये प्रिंसिपल रह चुके हैं और साथ में पोइट्री भी इन्होंने काफ़ी किया है। तो सर हम जानना चाहते हैं कि वो दौर जिस दौर में आपने शिक्षा आपने शिक्षक के तौर पे केन इस्लामिया में ज्वाइन किया और प्रिंसिपल बने, वो दौर कैसा था उसके बारे में कुछ चर्चा करें। दरअसल अपनी बात शुरू करने से पहले हम चाहेंगे ये कि अपने बारे में थोड़ी सी बातें बता लें, तब फिर इस दौर की बात करेंगे। हजारीबाग मेरा वतन सानी है, वतन अव्वल मेरा बिहार शरीफ का एक गांव था। तकसीम के वक्त में जो फसादात हुए उसके नतीजे में बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए और बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान को अपना वतन समझते थे वो यहीं रह गए। उन्हीं में मेरे वालिद साहब भी थे जिन्होंने इसको वतन समझा और हम लोग गया आगे और गई में मुस्तकिल मेरी तालीम हुई। मैंने बीए किया, एमए किया, एमए किया रांची यूनिवर्सिटी से, चूँकि बीए के बाद वहाँ पढ़ा, एमए करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके बाद बीएड किया और उसके बाद मैं हजारीबाग हाई स्कूल कैनी इस्लामिया स्कूल जो बाद में जिसका नाम फिर हजारीबाग हाई स्कूल हो गया, कामाख्या नारायण जो यहाँ के राजा बहादुर हुआ करते थे उनकी दी हुई ज़मीन थी, जो पहले उसका नाम केन इस्लामिया स्कूल था और आज भी प्राइमरी और मिडिल उसी नाम से है। तो मैंने वहाँ 62 में ज्वाइन किया, 1962 में उस स्कूल को ज्वाइन किया। आजकल गूगल है, हाँ, इंटरनेट है, पहले तो सिर्फ किताबें होते थे और टीचर्स होते थे। तो हम तालीम की हालत आज से तो बतदरीज बहुत अच्छी थी। पहले उस वक्त बच्चे टीचर्स को अपने पहचानते थे, टीचर्स अपने बच्चों को बाई नेम जानते थे, एक एक नाम से जानते थे। और गरचे ये दौर नहीं था जो आज का दौर है, जो इतनी सारी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर तो था नहीं, लेकिन वो जो दौर था वो बड़ा खालिस दौर था। उस वक्त बच्चों को जो तालीम दी जाती थी खालिस ये ध्यान में रख के दिया जाता था कि जो कुछ बताएंगे हम बताएंगे, इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं। 1962 से वो काम जो मैंने शुरू किया एक टीचर की हैसियत से, तो खालिस मैं उस वक्त एक उस्ताद था। 39 साल 7 महीना 13 दिन मैंने काम किया उस स्कूल को। वो स्कूल खालिस उर्दू उर्दू मीडियम का स्कूल है, खालिस उर्दू मीडियम का स्कूल है। यह है उसके लिए जो गवर्नमेंट से इजाज़त मिली है वो ये है कि उसमें उर्दू मीडियम के ही लड़के पढ़ते हैं, लेकिन मैंने अपने दिनों में हिंदी मीडियम भी इंट्रोड्यूस किया। और एजुकेशन का जो उस वक्त का तरीका था वो था कि 1:1 वाला हिसाब था, एक बच्चे पर एक नज़र रखनी पड़ती थी टीचर को। आज की हालत नहीं थी कि खोल दिया सामने उनके एक पर्दे पर आ रहा है और सारा मामला तय हो रहा, नहीं, एक एक बच्चों की नफ्स पे उंगली रखनी पड़ती थी, समझना पड़ता था। तो चर्चा करेंगे, कुछ सर की किताबें हैं जो पब्लिश हो चुकी हैं और कुछ किताबें अभी है पब्लिशिंग हाउस में भी है, हाँ। इसके अलावा काफ़ी एसेज, काफ़ी प्रेस में भी आर्टिकल्स इनके पब्लिश, रेडियो पे भी काफ़ी, हाँ, चर्चा हुई है सर के बारे में, तो हम लोग इन किताबों के बारे में जानेंगे। कितना टाइम लगा आपको इन सब किताबों को एक कंपोज करने में और पूरा एक प्रॉपर बुक बनाने? देखिए दरअसल उन दिनों किताब को लिखना, छपवाना और फिर उसकी जिल्दबंदी करवानी, ये सब बड़ा बड़ी टेढ़ी खीर थी। लिखवाते थे कातिब से और कातिब से लिखवाने के बाद तब प्रेस में जाता छपने के लिए, तो एक किताब के लिए सारा इंतज़ाम करने में 2-3 साल तो लग ही जाता। फिर ज़माना बदला तो कंप्यूटर का ज़माना आया तो कंप्यूटर से काम होने लगा। लेकिन सब किताबों का मौजू आप कहाँ से सोचते थे और कैसे लाते तो, ख्वाब था जो कुछ के देखा। ये किताब कश्मीर में एक मुशायरा हुआ था, कश्मीर यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था मुझे। अच्छा। मुख्तलिफ जगहों पर मुशायरे हुए थे, सेमिनार हुआ था, सिम्पोजियम हुआ था, वहाँ हमने अपना आर्टिकल पढ़ा था। जब लौट के आए तो मेरे जहन में ख्याल आया कि एक सफ़रनामा लिख दिया जाए कश्मीर पर जो बिल्कुल नए किस्म का हो। आम तौर पर सयाह जो होते हैं वो सफ़रनामा लिखते हैं इसी गरज से कि वो जाते हैं देखने के लिए। सारी चीज़ों को मिला के हमने सोचा ये कि क्यों ना एक सफ़रनामा बिल्कुल नए किस्म का सफ़रनामा लिखे जिसने किसी ने नहीं उसका लिखा हो, बिल्कुल नए ढंग से लिखा हुआ उर्दू में। इस तरह का सफ़रनामा अभी तक किसी ने नहीं लिखा था। जैसे इंग्लिश में हम लोग देखते हैं ट्रैवल लोग लिखते रहते हैं, लेकिन उर्दू में हमने सफ़रनामा इस तरह से, और वो जो चीज़ें हैं जैसे सर बता रहे हैं कि कश्मीर में गए और उन चीज़ों को मिला के नए तरीका से लिखा, तो ये एक नया चीज़ हमें सुनने को मिला है आज ऑथर लोग कैसे लिखते हैं। आपके दिमाग कहाँ से ख्याल आया? या फिर एक तो राइटर होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब चीज़ों को एक जगह कनेक्ट करना वो कैसे?
होता है, ये हम लोग ये असल में कोई भी राइटर हो, बहुत से बड़े राइटर होते हैं, छोटे से छोटे, लेकिन अगर दरअसल वो अदीब है, शायर है, या किसी भी फन में उसकी दस्तरस है, या वो जानता है उसको करना चाहता है उसके अंदर, इसलिए कि कहा यह जाता है कि ये पोएट्री है या प्रोज है, जो भी जो है, ये कोई आदमी अपने आप ये कस्ब नहीं कर सकता, ये अल्लाह की तरफ से वदियत होती है, उसके अंदर वो मादा पहले से मौजूद होता है। तो मौजू की तलाश तो दरअसल ये जो भी शायर होगा या अदीब होगा तो उसका ध्यान आम लोगों के ध्यान से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जब वो देखता है ये कि अब बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, कलम उठाना ही पड़ेगा हमको, तब वो इसी हालत में कलम उठाता है। ख़ास तौर पर शायरी में तो ऐसा आलम होता है कि कभी कभी रात भर जागने के बाद भी एक शेर नहीं होता। सबसे पसंदीदा मौजू क्या रहा इस पूरे करियर में? आप सबसे ज़्यादा शुरुआत तो मैंने दरअसल उर्दू से मोहब्बत, हम ऐसे तो हम अंग्रेज़ी के स्टूडेंट हैं लेकिन उर्दू से एक मोहब्बत रही हमको शुरू से। तो उर्दू में तो जब तालिब इल्मी का ज़माना था उस वक्त हमने शायरी शुरू की। शुरू के दिनों में आमतौर पर टूटी फूटी शायरी, ख़ास तौर पर वो रमज़ान उमज़ान में लोग आ जाता था लिखवाने के लिए कि दर से लिख दे भैया समझ। धीरे धीरे उसके बाद कुछ लोगों से मदद ली, कुछ को अपना उस्ताद बनाया, शायरी शुरू की शायरी से। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसा हुआ कि नसर से इतना ज़्यादा मुतालिक हो गए हम कि उस पहले किताबें आ गई। तो आपने तो ये दौर को देखा है बहुत नज़दीक से, तो हाँ बिल्कुल। तो राइटर्स में जो चेंजेस आए, पहले जो सीरियस मुद्दे उठाते थे, क्या अभी उन तरह के मौजू उठा रहे हैं लोग, या उतना रिसर्च हो पा रहा है किताबों पे? ये देखिए तदरीजन तो कम हुआ है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, पहले के मुकाबले में कम हुआ है। सीरियस राइटर्स की बात जो आप कर रहे हैं तो सीरियस राइटर्स की कमी हो गई है, इसलिए कि वो ज़माना जो था प्रेमचंद का ज़माना था या उससे पहले का ज़माना था, जो उर्दू की शुरुआत तो उर्दू की तारीख ये बताती है कि उर्दू की शुरुआत तो उर्दू से हुई नहीं, ये तो हिंदी संस्कृत और दूसरी ज़बानों की खिचड़ी है जिसका नाम उर्दू है। और ये शुरू के दिनों में है, जब शुरू हुआ तो ये हिंदवी के नाम से मशहूर हुई, उर्दू तो कहलाती भी नहीं थी। फिर बाद में ये धीरे धीरे बड़ी, तो उन दिनों जब यहाँ बाहरी मुल्कों से हमला हुआ और यहाँ बादशाह आ गए तो यहाँ फारसी ज़बान थी, कोर्ट लैंग्वेज फारसी हुआ करते थे, उर्दू बाहर की ज़बान थी, गली कूचे की ज़बान थी, मेले ठेले की ज़बान थी। अदीब और शायर जो उस ज़माने में पैदा हो रहे थे उनमें कुछ कमी आ गई है। आज उतने ज़्यादा अदीब और शायर मशहूर नहीं हो रहे हैं जितने उन दिनों मशहूर थे, जैसे प्रेमचंद थे या कृष्णचंद्र थे या मंटू थे या जो भी उस ज़माने में जो भी शायर या अदीब थे, उनके मुकाबले के अभी लोग कम हैं, निस्बतन कम हैं। लेकिन ऐसी बात भी नहीं कही जा सकती कि उर्दू ख़त्म हो रही है या उर्दू का जवाल हो रहा है। ऐसी जाते जाते हम लोग ये जानना चाहेंगे कि अली मुनीर सर के फेवरेट या फिर पसंदीदा शायर या और ऑथर कौन रहे होंगे? दरअसल ये सवाल बड़ा ही टेढ़ा है क्योंकि इतने शायर हैं और उनमें से किसी एक शायर को सिलेक्ट करके बोलना कि यही पसंदीदा शायर हैं बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी चूँकि उनका ताल्लुक हज़ारीबाग से है और वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी रहे हैं और मेरे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड रहे हैं ज़हीर गाजीपुरी साहब, उनको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए कि वो मुझसे बहुत करीब भी रहे हैं और वक्तन फ़क्तन जब भी ज़रूरत हुई उन्होंने मुझे उस रास्ते पर चलने के लिए, कहीं पर कोई ठोकर लगी है तो उन्होंने मुझे संभाला है, इसलिए मेरे पसंदीदा शायर ज़हीर गाजीपुरी है। बात कर रहे थे उर्दू के मशहूर शायर अली मुनीर सर, जो हज़ारीबाग में प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और बहुत जाने माने एकेडमिशियन रह चुके हैं अपने टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का।